नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। उम्मीदवारों के ऐलान के लिए कांग्रेस की अहम बैठक, शीला के करीबियों को मिलेगा टिकट। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की कड़ी में बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें सभी नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि नामों की घोषणा पार्टी आला कमान राहुल गांधी की मंजूरी के बाद ही हो। देश के 900 कलाकारों ने केंद्र सरकार का किया समर्थन, कहा मोदी सरकार की फिर जरूरत। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पूर्व कला और साहित्य से जुड़े करीब 900 कलाकारों और साहित्यकारों ने बुधवार को खुलकर भाजपा के समर्थन में आ गए हैं। इन कलाकारों ने एक स्वर में कहा कि देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है, न कि मजबूर सरकार की। चेन्नई को रोकने के लिए तैयार है राजस्थान के ये दो स्टार खिलाड़ी। राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और बेन स्टॉक का बल्ला इस सीजन में अभी तक शांत है, लेकिन इसके बावजूद टीम की बैटिंग कोच अमोल मजूमदार को पूरा भरोसा है कि चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला चलेगा। लगातार दूसरे दिन नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने देश में दूसरे दिन गुरुवार 11 अप्रैल को भी पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर कोई राहत नहीं दी है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 72.80 रुपए प्रति लीटर और डीजल 67.11 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बुधवार की तुलना में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बिग बी ने अभी से देख लिया 2019 विश्व कप क्रिकेट विजेताओं का जश्न। दरअसल अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इन दिनों चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग की जमकर तारीफ की है। बच्चन ने लिखा है कि IPL का ये सीजन तो बड़ा ही कमाल का है। लगभग हर मैच का सस्पेंस सुजाय घोष और अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म से बढ़कर है, और खिलाड़ी तो जीत के बाद अपने टीम के सदस्यों के साथ इस तरह टूट पड़े हैं मानो उन्होंने 2019 की विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता जीत ली हो। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं, और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर, और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।